नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि परिवार जब साथ होता है तो ज्यादा महफूज होता है, लेकिन आए दिन जिस रफ्तार से भारत के शहर प्रगति कर रहे हैं उसी रफ्तार से परिवार भी बिखरते जा रहे हैं। शहरों में बड़े घर में बड़े परिवार साथ तो रहते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे अलग आशियाना बसा लेते हैं और कई बार यही दूरी अपराध को जन्म देती है। आजकल अखबार बड़े मोटे होते जा रहे हैं, इश्तिहारों के साथ साथ खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। हमारी सुबह इन्हीं अखबारों की ताजा खबरों की रद्दी ढोने से शुरू होती है। तुलानी सेठ के पांच पांडवों के पांच घर और हम उसका अकेला चक्करधारी। बंसी वाले से ज्यादा प्रेशर का काम है, पर हमारा प्रेशर किसी को दिखाई नहीं देता। प्रणाम काकी। गुड मॉर्निंग। गुड। क्या है चोटी काटने वाले का राज? पांच राज्यों में से 100 से ज्यादा महिलाओं की चोटी का क्या कर दी आरती, देख के चला कर। सॉरी आरती, चल ब्रेकफास्ट कर ले। हाँ दीदी। राजेश जी, वो चाची की गाड़ी बीच रास्ते में आ रही है, उसे हटवा देना। हाँ, अब तो पुताई हो गई है, बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। प्रकाश, तू चौकीदार से क्यों बात कर रहा है? मुझसे बात कर। जब पुताई वाले उस पे रंग डाल रहे थे तब तो किसी को गाड़ी नजर नहीं आई, अब बड़ी दिक्कत हो रही है। चाची खैर छोड़ो ना इन बातों को, अब राजेश को बोलो और धुलवा लो गाड़ी। अब तो दिवाली भी आ रही है, लाइटिंग का काम शुरू हो जाएगा, फिर स्क्रैच वैच पड़ गया तो फिर। हाँ हाँ, दिवाली तो तुम लोगों की, हम सब तो ठन ठन गोपाल है। क्या चाची, पूरे तोलानी खानदान में आप ही तो सबसे मालदार हो। सुनीता, वो गाड़ी हटवा दो ना प्लीज, वो बड़ी दिक्कत हो रही है यार आने जाने में, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, पहले चाचा जी को हमसे प्रॉब्लम थी, अब तुम्हें है, तुम जाओ हटवा दूंगी। अरे हम आप लोगों से तो बात करना बेकार है। तू वहां खड़ा खड़ा क्या मुस्कुरा रहा है, भाग यहां से। राजेश जी, जी रोहित बाबा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ जी। रोहित बाबा, ये गेट क्यों खुला है? रोहित बाबा, हम तो दूध अखबार और फूल देने के लिए गए थे, आपके ताऊ जी के बेटे हैं ना प्रकाश जी, वो बाहर गए थे, शायद उन्होंने ही खोल दिया होगा। ध्यान रखा करो जी, और गेट के पास रहा करो हमेशा। जी जी। माँ, मेरे और नीलम के साथ जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ भी करके आरती की शादी करा दीजिए। किससे करा दूं? 36 लड़के वाले इसको देख के जा चुके हैं, पर इस पगली को तो कोई पसंद ही नहीं करता। क्या बोला? अरे हाँ चल बोल। चल दीदी का फोन। अरे क्या कर रही लड़की बात? हाँ दी, आपको पता माँ ने मुझे वापस पगली बोला। अच्छा ठीक है, मैं मनाली से वापस आऊंगी तब माँ से बात करती हूँ। अब मनाली जा रहे हो? सेकेंड हनीमून, मेरा तो फर्स्ट भी नहीं हुआ। अरे क्या नाप शनाप बके जा रही है, कोई उससे फोन लेके दे मुझे, मुझे बात करनी है आंचल से। नहीं पहले मुझे ना मेरी बात करा। नहीं पहले मुझे बात करनी है। मुझे बात करनी है। नहीं आरती, नीलम दीदी को फोन दो, मुझे नीलम दीदी से बात करनी है। राजेश जी। जी मैम। गेट बंद कर लेना। आप जाइए, मैं खाना खाने के बाद गेट बंद कर देता हूँ, जाइए।
राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, राजेश भाई, ए तुम अंदर कैसे आ गए? साहब वो राजेश भाई, ये आइए एक सेकंड सर, आइए यहाँ हटिए आप लोग, प्लीज साइड देना, साइड होइए। सर ये सिक्योरिटी गार्ड था हमारा, ये जब दूध वाला दूध देने आया तो इसने इसकी लाश देखी। घर में कोई चोरी वगैरह हुई है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई चोरी वगैरह हुई क्या घर में? नहीं सर। नहीं सर, हमें से किसी के घर में चोरी तो नहीं हुई है। फिर आपके सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर किसने किया? वो हम कैसे बता सकते हैं सर, हम लोग तो सो रहे थे। आप लोगों ने रात में कोई आवाज़ सुनी, कोई शोर शराबा? नहीं सर, ऐसा होना नामुमकिन है, हम सबके घर साउंड प्रूफ है सर। आप सबके घर मतलब आप लोग तोलानी फैमिली से नहीं है क्या? नहीं नहीं सर, हम सब तोलानी फैमिली से ही है। हुआ था ये कि हमारे चाचू ताऊ जी वो सब कुल मिला के 5 भाई थे, तो हमारे दादाजी ने पूरी प्रॉपर्टी के 5 हिस्से किए और हर एक को एक एक घर बंधवा दिया। तो घर अलग अलग है लेकिन मेन गेट एक ही है सर। तो मतलब ये अकेला 5 घरों का सिक्योरिटी गार्ड था? जी। नाम क्या है इसका और कहाँ का रहने वाला है? जी राजेश कुमार है। मलिक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और एक गाड़ी हटवाओ। किसकी गाड़ी है ये? ये सर चाची की गाड़ी है, मेरे ललिता चाची की। वो नहीं आई, मैं चाबी लेके आता। सुनीता चाची रोलेट रोलेट मैं जब आया तो दरवाजा खुला ही था और ये इधर फटिया पीछे। और कौन रहता है यहाँ पे? मेरी चाची और उनकी बेटी है। सुनीता चाची हाँ हाँ दिवाली तो तुम लोगों की, हम सब तो ठंडन को पाले। हाँ हाँ ठीक है, पहले चाचा जी को हमसे प्रॉब्लम थी, अब तुम्हें है। हाँ दी, आपको पता माँ ने मुझे वापस पगली बोला। आइए सर। सर इस गेट के अंदर स्वर्गीय पूरनमल तोलानी के 5 परिवार के घर हैं और सर ये यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था राजेश। सर इसके अलावा स्वर्गीय पूरनमल तोलानी के स्वर्गीय बेटे की बीवी ललिता और उनकी 3 बेटियों के कत्ल हुए, बॉडीज वहाँ पे हैं सर। क्या गार्ड को मारने के बाद उन चारों की हत्या की गई? पॉसिबिलिटी है सर। उनका कहाँ है? ये है सर। सर ललिता की 2 नंबर की बेटी है। सर इन तीनों ही बॉडी पे ज्वेलरी इंटैक्ट है और सर ये कबर्ड खुला हुआ था। सर जब हम यहाँ आए तो किसी को नहीं पता था कि सिक्योरिटी गार्ड के मर्डर के अलावा इस फैमिली का ही मर्डर हो चुका है। वो तो सर ललिता के भतीजे प्रकाश ने हमें बताया कि मेन डोर खुला हुआ था। सर देखकर तो लग रहा है कि ये लूटपाट के इरादे से किया गया है, पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारा फिर इस फैमिली को और कबर्ड में जो मिला लेकर चले गए। विनय सबके मर्डर एक ही तरह से गला काट के किए गए और घाव देखकर लगता है कि इनके मर्डर 4-5 घंटे पहले ही हुए। और सर पूरे ही घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है। विनय लूट का समय रात का है, जाहिर सी बात है ये लोग सो रहे होंगे, दरवाजा अंदर से ही बंद होगा और मेन गेट भी अंदर से ही बंद होगा। इन्होंने दरवाजा खोला इसका मतलब नॉक करने वाला कोई जानकार ही होगा। सर मतलब गार्ड का मर्डर करना और ये कवर से पैसे गायब करना एक तरह का कवर अप हो सकता है। शायद उनका मकसद इन्हें खत्म करना ही था। विनय हम किसी भी पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर देखकर तो लग रहा है कि ये काम किसी फैमिली मेंबर का ही है, क्योंकि जहाँ हमें सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी मिली वहाँ सभी की फैमिली थी सिवाय इस फैमिली के। इस घर में सीसीटीवी है? नहीं सर।
बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। फॉरेंसिक वालों से कहो घर के चप्पे चप्पे की अच्छी तरह से जांच करें। ठीक है सर। बीती रात दिल्ली करोल बाग के रिहायशी इलाके में जाने माने तोलानी परिवार के 4 सदस्य और उनके सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो चुका है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी है और छानबीन कर रही है। मैं कैमरामैन आकाश के साथ लईक खान। आपको कितने बजे पता चला कि आपके गार्ड का मर्डर हो गया? सर सुबह 7 बजे। सर 7:05 पे आप लोगों का फोन कंट्रोल रूम में आया। हमारी टीम यहाँ 7:30 बजे पहुंची। इस दौरान आप लोगों को जरा भी पता नहीं लगा कि ललिता जी और उनकी बेटियों की हत्या हो चुकी है? सर दरअसल ललिता ताई जी की फैमिली मेंबर से हमारी बातचीत बंद है, इसीलिए उनके घर कोई गया नहीं। ऐसी क्या वजह थी जो आप लोगों की बोलचाल बंद थी इनसे? नहीं सर ऐसा बड़ा कुछ नहीं था सर। दरअसल चाची जी की उम्र हो गई थी तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। चाचा जी भी गुजर गए, उनका बेटा भी गुजर गया था, तो घर पे कोई मर्द था ही नहीं। कितना समय हो गया उन्हें गुजरे हुए? 15-16 साल हो गए। उनका बेटा सनी हरिद्वार गया था तो गंगा में स्विमिंग करते करते डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके शौक से चाचा जी भी गुजर गए, बाकी रही ये सब औरतें। सर सच कहूँ तो बहुत डिप्रेशन में जी रहे थे वो। बड़ी बेटी सुनीता का डिवोर्स हो गया, मझली बेटी थी नीलम उसके हस्बैंड की मौत हो गई, छोटी बेटी थी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई। सब अंदर ही अंदर घुट घुट के जी रहे थे सर, कभी बाहर निकलते ही नहीं थे और कभी कभी बात की तो कोई ना कोई कारण निकाल कर झगड़ा करते थे। सर हमने तो हमेशा उनका दुख बांटना चाहा लेकिन उन्होंने खुद ही हमें पराया कर दिया था सर। और अब तो ललिता जी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं है, उनकी और एक मझली बेटी है आंचल, वो शादीशुदा है, वो यमुना विहार में रहती है अपने पति के साथ। उसको इन्फॉर्म किया? जी नहीं सर, एक्चुअली उनका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास इसलिए। सर पूरे घर की तलाशी ले ली लेकिन कहीं भी कोई मर्डर वेपन नहीं मिला, लेकिन सर ऊपर की अलमारियों में 37 लाख रुपए मिले हैं। मतलब कि बॉडीज पे जो गहने हैं उनके अलावा 37 लाख रुपए भी नहीं चुराए गए और ये किसी को पता भी नहीं? हाँ सर, और इस घर में केवल लेडीज हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, इनके पास इतना पैसा कैसे आया? सर ललिता चाचा के यहाँ कोई कमाता तो नहीं था लेकिन 25 सालों से उन्हें हर महीना किराया मिलता आया है। 37 लाख क्या सर, चाची ने तो करोड़ों जमा कर लिए थे। 70-80 लाख के तो सिर्फ गहने और जवाहरात होंगे उनके पास। गुजरे दौर में स्वर्गीय पूरन मल तोलानी का नाम दिल्ली के रईस लोगों में आता था। उनकी सेकेंड और थर्ड जनरेशन के पास जमीन जायदाद और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि स्वर्गीय पूरन मल तोलानी की 80 वर्षीय बहू ललिता तोलानी और उनकी 3 बेटियों को सिर्फ लूट के इरादे से मौत के घाट उतारा गया था या फिर उनके साथ साथ तोलानी परिवार के सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार के मर्डर का मोटिव किसी और ही एंगल से जुड़ा था। सर तोलानी खानदान के हर घर हर कमरे की तलाशी ली लेकिन फॉरेंसिक टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन विनय तोलानी फैमिली पे शक ना करने की कोई खास वजह नहीं है। विनय ये तोलानी परिवार के सभी मेंबर्स के कॉल डिटेल्स निकलवाओ और मैं इनसाइड आउटसाइड दोनों एंगल्स इन्वेस्टिगेट करने होंगे। 2 टीम्स बनाओ। ठीक है सर। एक टीम तोलानी परिवार के दोस्त दुश्मन सभी से पूछताछ करेगी, दूसरी टीम आउटसाइडर से हिस्ट्री निकालेगी, घर आने जाने वाले सभी ड्राइवर्स हेल्पर्स सर्वेंट्स सबसे हमें हर पॉसिबिलिटी को खंगालना होगा। यस सर। और हाँ विनय सर, ललिता की मंजिली बेटी आंचल का कॉन्टैक्ट नंबर पता करके उसे मिलने के लिए बुलाओ, राजेश की फैमिली को भी। ठीक है सर। तोलानी परिवार के साथ हुई इस घटना ने पूरी दिल्ली में सनसनी फैला दी। पुलिस इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों एंगल को खंगाल रही थी। अब तक आउटसाइडर एंगल में लोकल गैंग्स को पकड़ा गया था जो उसी एरिया में एक्टिव थे, लेकिन उनमें से किसी भी गैंग का तोलानी परिवार में हुई लूट और मल्टीपल मर्डर्स में कोई हाथ नहीं था और अब पुलिस का पूरा फोकस इनसाइडर एंगल पर था। सर ललिता की बड़ी बेटी सुनीता के फोन से हमें आंचल का नंबर मिला है, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी परसों ही मेरी उनसे बात हुई थी और सब खुश लग रहे थे। यानी आपको किसी पे शक नहीं? हमें पता चला है कि आप लोगों के परिवार की आपके चाचा ताऊ के परिवार से बनती नहीं थी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में क्या कोई ऐसा डिस्प्यूट था जिसकी वजह से ये मर्डर्स हुए? नहीं सर, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन उन लोगों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था सर। नीचे उतर। क्या हो गया मैडम? ये क्या किया तूने? क्या किया? मेरे पापा की गाड़ी कैसे खराब कर ली है? हिम्मत कैसे हो गई? चाची, ये क्या कर रही हो आप? क्या क्या कर? अरे साहब देखो, ये बुढ़िया और पागल औरत मिलकर मेरे को मारे जा रही है उसे। सुनी सुनता, क्या क्या क्यों गरीब आदमी पर हाथ उठा रही हो? हाँ, वो भी इतनी सी बात पर। गरीब? अच्छा, तो तूने इसको बोला होगा कि गाड़ी पे पेंट डाल दे। तू तो चिढ़ता है ना इससे? चाची, मैं आप लोगों जैसे नहीं हूँ जो दूसरों बाहर वाले लोगों से अपने लोगों का सामान खराब करवा दूं। वैसे भी रखा क्या इस कार में? दिवाली आ रही है, कबाड़ में बेच दो। अच्छा, कबाड़? अब तू देखना, मेरे मरते दम तक ये गाड़ी यही रहेगी। देखती हूँ कौन हटाता है। सर, ये सच है कि उस दिन मेरा उनसे बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, लेकिन सर वो वर्कर तो मुझसे भी ज्यादा उन पर खौल रहा था जिस पर उन्होंने चाटे बरसाए। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अगले दिन से तो वो आया ही नहीं। तो आप उस पुताई वाले पे शक जता रहे हैं? नहीं सर, मैं जो भी हुआ आपको बता रहा हूँ बस। लेकिन सर आप गलत मत सोचिएगा, हम में से कोई भी इतनी सी बात के लिए उनसे इतना बड़ा बदला नहीं लेगा सर। सर, ये प्रकाश तो बात घुमाने में काफी एक्सपर्ट लग रहा है। सर, जब खुद पे बात आई तो उन पुताई वालों का नाम लेने लगा। इस प्रकाश को ऊपर से लेकर नीचे तक तो हम नाप ही लेंगे, लेकिन विनय ये बात तो तय है कि उर्मिला परिवार का पुताई वालों से झगड़ा हुआ था और उन्होंने पुताई वाले को पीटा भी था। इन पुताई वालों को उठा के लाओ, इनसे उगलवाओ। ठीक है सर। उनके थप्पड़ बहुत परेशान कर रहे थे ना तुझे, इसीलिए मार दिया ना उनको? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। सच बोल वरना हमारे थप्पड़ नहीं रुकने वाले। साहब, हमने कुछ भी नहीं किया साहब, हमने कुछ भी नहीं किया साहब। जिसने भी मर्डर किया होगा वो मेडिकल जानकार होगा। सबका एक ही तरह से गला काटा गया है और मारने वाले को मालूम था कि गली के कौन सी नस को काटनी है। एकदम करेक्टली जगले में इसको काटा गया ताकि बचने की कोई उम्मीद ना रहे। पुलिस के रडार पर वो सब थे जो किसी भी तरह की मेडिकल जानकारी रखते थे। इस घटना को हुए 40 घंटे बीत चुके थे और हर मिनट पुलिस के ऊपर मीडिया और प्रशासन का दबाव बढ़ता जा रहा था। ललिता के परिवार में केवल एक ही मेडिकल एक्सपर्ट है और वो है उसकी बेटी आंचल का पति डॉक्टर योगेश। सर, थोड़े समय के लिए अगर मान लें कि आंचल भी इस केस में इन्वॉल्व है तो सर मोटिव काफी स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि ललिता की प्रॉपर्टी की एक आंचल ही अकेली नॉमिनी बसती है। और अगर ये दोनों इस कत्ल में शामिल हैं तो विनय हो सकता है अगले दिन सुबह इनका मनाली जाना अपनी अलिबाई खड़ी करने की साजिश हो सकता है सर। वैसे सर, हमें घर में कोई भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले हैं। ऐसा हो सकता है कि कत्ल के पहले वाली सुबह ये दोनों मियां बीबी घर में घुसे हों। गार्ड ने इनके लिए दरवाजा खोला। सबसे पहले इनने गार्ड का मर्डर किया और उसके बाद ललिता फैमिली के घर गए, ललिता की फैमिली को मारा और लूटपाट दिखाने के मकसद से एक अलमारी का सामान गायब कर दिया और बड़ी सफाई से फिर प्रकाश पे शक जताने की कोशिश की। विनय, काम करो, बाकियों के साथ साथ इन दोनों मियां बीवी को भी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है सर। कभी मायके में भी आके रह जाया कर, दिल्ली में रहते हुए 6 महीने से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। अच्छा दीदी, पहले प्रॉमिस करो, आप मनाली जाओगे ना तो मुझे लेके जाना, आप, मैं और जीजा जी। दीदी दीदी, आप आओगे ना तो आपके घर के पास वो फेमस बालूशाही मिलती है, उसको लेकर आना। सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार ललिता तोलानी और उनकी 3 बेटियों की हत्या के मामले में अब ललिता तोलानी की 4थी बेटी आंचल और दामाद डॉक्टर योगेश शक के दायरे में आ गए। लेकिन इन हत्याओं के पीछे जितने भी संदिग्ध लगातार सामने आए थे, पुलिस को उन सब की भूमिका पर शक था, चाहे वो रिफ्यूजीज लोग हों या पेंटिंग करने वाले वर्कर्स या फिर रौनित और प्रकाश तोलानी समेत तोलानी परिवार के सभी सदस्य। पुलिस हर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और अब आंचल के पति डॉक्टर योगेश से भी पूछताछ की जा रही थी। सर, आपकी थ्योरी बनावटी और मनगढ़ंत है। देखिए, मैं एक रिनाउंड डॉक्टर हूँ और मेरी इज्जत है सोसाइटी में,
और आप कह रहे हैं कि मैंने अपने ही परिवार वालों का गला काट दिया। सर आप जो सोच रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप जो कह रहे हैं यही सच्चाई, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए आपके मानने से मैं खूनी साबित नहीं हो जाऊंगा, और अब आप मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दें तो बेहतर है, क्योंकि मैं यहाँ से खुद उठकर जाने की बदतमीजी नहीं करना चाहता। काफी काम एंड कंपोज गए आप। आई होप हमारी अगली मुलाकात तक आपकी ये नजाकत बरकरार रहे। एनीवेज थैंक्स, यू मे गो नाउ। सर इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि हमारे सवालों के लिए पहले से ही प्रिपेयर था, इसलिए इसके और इसकी बीवी के फोन और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड में कुछ भी हाथ नहीं लगा। विनय कुछ भी कहो, मर्डर काफी दिमाग लगा के किए गए। मेडिकल एक्सपर्ट कोई डॉक्टर ही हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है आंचल के पति की गाइडेंस या फिर किसी और के इशारे पे कातिल 28 सितंबर की सुबह तोलानी परिवार के घर आया और एक साथ 5 लोगों का कत्ल कर गया। साहब हमारे पति 24 घंटा उनके यहाँ ड्यूटी करते थे, अपनी जिंदगी दे दी उन्होंने तोलानी खानदान की सेवा में, फिर उनको क्या है मारा, उनका क्या कसूर था? देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं क्या राजेश ने कभी आपको तोलानी परिवार के बारे में कुछ बताया था? मेरा मतलब तोलानी परिवार के बाकी सदस्यों का ललिता परिवार वालों से कोई झगड़ा दुश्मनी? सब हम तो इंदरपुरी में रहते हैं और वो तो हमें कभी फोन करते नहीं थे, जब हमको पैसे का जरूरत होता तो हम ही फोन करते थे, तो वो बोलते अरे अभी कैसे पैसा भेज दे भाई, अभी तक हमको तनख्वाह नहीं मिला है। अरे वो आपसे इतना काम कराते हैं, इतने रईस लोग हैं, फिर तनख्वाह काहे नहीं दिए? अरे बहुत ही लालची टाइप के लोग हैं, हमारा तो मन उकता गया यहाँ पर काम करके। तो फिर छोड़ काहे नहीं देते उनका काम? अरे मन तो करता है छोड़ने के लिए, लेकिन जब भी ख्याल आता है ना तो सामने पूरनमल जी का चेहरा नजर आ जाता है। अब वो हमको बचपन से पाले हैं, नमक खाए हम उनका, ऐसे कैसे छोड़ दे काम? और मान लो कि अगर हम काम छोड़ देते हैं तो इस उम्र में हमको काम कौन देगा? चलो अब रखते हैं, ठीक है ना? अब जीते जी तो वो हमारे पति का खून चूस रहे थे और उनके घर डाका डालने वालों ने हमारे पति को ही जान से मार डाला। तोलानी परिवार के घर में डाका डाला था, ये बात आपसे किसने कही? वही उनके प्रकाश मालिक ने, 24 घंटा वो उनकी रक्षा में तैनात रहते थे, उनके लिए कितना जोखिम उठाते थे, और जीते जी वो उनकी तनख्वाह भी रोक के रखते थे, तभी वो हमको कोई पैसा नहीं भेज पाते थे। अगर राजेश आपको पैसा नहीं भेज पाता था तो फिर घर का खर्चा कैसे चलता था? सब शुरू शुरू में दिक्कत होता था, लेकिन अब हमारा बेटा नौकरी करने लगा है और थोड़ी मदद दामाद जी भी कर देते हैं। अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, उसे सैलरी तो टाइम टू टाइम मिलती थी, और आपको पता है कितनी सैलरी थी उसको? 30,000 पगार था उसको। आप ही बताओ सर आज के दिन में वॉचमैन को कोई 30,000 सैलरी देता है? लेकिन उसकी बीवी तो कह रही थी कि आप लोग उसे पैसे नहीं देते, सिर्फ इसी वजह से वो अपनी फैमिली को पैसे नहीं भेज पाता था। सर ऐसा कुछ नहीं था सर, सर सच तो ये है कि उस सिक्योरिटी गार्ड के खर्चे ही बहुत थे, बल्कि हम तो उसे राशन के लिए भी अलग से पैसे दिया करते थे। उसे कितनी बार समझाया था कि घर पे लाके राशन पका लिया करे, लेकिन वो था कि उसे काके के ढाबे से चिकन और मटन ऑर्डर करके मंगवाना था। इतना ही नहीं था सर, शराब भी पीता था और वो भी महंगी वाली, और पूछो तो कहता था कि दिन भर काम करके थक जाता हूँ इसलिए थोड़ी सी। मैंने पकड़ा था उसे, और जब भी पकड़ा मैंने बहुत डांटा उसे, लेकिन सर इतना डांटने पर भी उसकी आदत गई नहीं। अब आप ही बताइए सर, ये हर रोज चिकन मटन खाएगा, महंगी महंगी शराब पिएगा, तो घर में खर्चे के लिए पैसे थोड़ी देगा। सर इसी लापरवाही की वजह से यह सब कांड हुआ। मुझे यकीन है सर जब यह सब हुआ वो जरूर नशे में होगा। अगर आप लोगों को अपने घर की इतनी चिंता थी तो रात में सिक्योरिटी के लिए दूसरा गार्ड क्यों नहीं रखा? कोई अकेला आदमी 24 घंटे ड्यूटी कर सकता है क्या? अरे सर उसे कहां 24 घंटे काम था, आराम ही तो करता था, सुबह थोड़ी देर काम कर लिया, रात में पहरेदारी की, खत्म हो गया, बाकी टाइम आराम ही तो करता था। और सर उसे रात को जल्दी नींद नहीं आती थी, उसे रात को गेट के बाहर तफरी करने की आदत थी। और सर मुझे यकीन है रात को भी वो गेट खुला छोड़ के कहीं टहल रहा होगा, तभी तो उस रेफ्यूजी बस्ती के लोगों को अंदर घुसने का मौका मिल गया। ये राजेश तो अपने कर्मों से मर गया, लेकिन सर मेरी चाची और मेरी चचेरी बहन, सर
तो लानिस की पड़ोसियों से पता चला है कि रौनित का ललिता की छोटी बेटी आरती के साथ काफी झगड़ा रहता था। पागल आ गया तू? क्या किया तूने? छोड़ो माँ, मैं देखो। छोड़ मेरी बेटी को। देखो ताईजी इसने क्या किया, सारी टी शर्ट खराब कर दी, कल कचरा डाल दिया था, बंद करके रखा करो इस पागल को अंदर। तो पागल को पागल ही बोलूंगा ना। सर ये बात पता चलने के बाद मैंने रौनित के बारे में सब कुछ पता किया है। ये देखिए सर, मर्डर वाली रात रात 3 बजे तक रौनित पीतमपुरा में ही था और मोबाइल लोकेशन के हिसाब से सुबह 4 बजे घर लौटा है। और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर भी तकरीबन 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुए थे। सर उस रात मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था इसलिए घर लेट पहुंचा। तुम अकेले घर पहुंचे थे या तुम्हारे साथ में कोई और भी था? सर मैं अकेला ही था। तुम जब घर पहुंचे तुम्हारे पहुंचने से पहले मर्डर हो चुके थे या आने के बाद हुए? सर मैं घर पहुंचा, राजेश ने गेट खोला और मैं घर जाके सो गया। कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा सर। सर मानता हूँ कि ललिता ताई जी और उनकी बेटियों के साथ हमारी बोलचाल बंद थी, लेकिन सर मुझे क्या फायदा होगा उनको मार के? उसी ललिता ताई जी की सबसे छोटी बेटी आरती को सरेआम पीट कर फायदा मिला था तुझे? सर वो तो बहुत पुरानी बात है सर। सर मानता हूँ कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता था, लेकिन सर किसी भी वजह से मैंने उनको नहीं मारा सर, प्लीज ट्रस्ट मी। चेक करो ये रोनित सच बोल रहा है या झूठ, हो सकता है ये उन किलर्स को साथ लेकर आया हो। इसका बैकग्राउंड भी चेक करो, देखो कोई दोस्त ऐसा है क्या जिसे मेडिकल की नॉलेज हो। सर मैंने ललिता की बेटियों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर आरती तो फोन यूज नहीं करती, लेकिन सर सुनीता के कॉल रिकॉर्ड से किसी डॉक्टर मनिंदर सोडी का नंबर सामने आया। सर ये देखिए, मर्डर के एक दिन पहले भी इसने इससे कॉल किया था और लगातार टच में रहती थी। पता करो ये डॉक्टर सोडी और सुनीता के कॉल का चक्कर क्या है। ठीक है सर। दिल्ली के करोल बाग के रिहायशी इलाके में रहने वाले तोलानी परिवार के 4 सदस्यों और उनके सिक्योरिटी गार्ड राजेश की हत्या में संदिग्ध कई थे और इस हत्याकांड में दिल्ली के डॉक्टर मनिंदर सोडी का नाम भी शुमार होने वाला था। सुनीता तोलानी और उसकी फैमिली के मर्डर के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। आप और सुनीता लगातार फोन पे टच में थे ना? हेलो क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? जानते हैं ना आप सुनीता तोलानी को? सर डॉक्टर मनिंदर सोडी तोलानिस का फैमिली डॉक्टर है और सर उसका क्लिनिक जिस दुकान में है वो तोलानिस की उन प्रॉपर्टीज में से है जो वो किराए पे देते हैं। तो डॉक्टर मनिंदर सोडी तोलानिस का किराएदार है? हाँ सर, वो उसका 1 लाख रुपए किराया देता है और सर पूछताछ से पता चला है कि सारी प्रॉपर्टीज का किराया ये प्रकाश वसूल करता है और 5 फैमिली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन सुनीता का डॉक्टर सोडी को इतने कॉल करने का चक्कर क्या है? सर जब मैंने डॉक्टर सोडी से बात की तो उसने बताया कि सर सुनीता तोलानी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, बस इसीलिए वो मुझसे अक्सर फ़ोन पे कंसल्ट किया करती थी सर। तो सुनीता यही कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर सोडी को इतने फ़ोन किया करती थी या फिर कुछ और ही चक्कर है? एक काम करो, सुनीता की बहन आंचल को बुलाओ, देखते हैं वो सुनीता और डॉक्टर सोडी के बारे में क्या कहती है। ठीक है सर। हाँ सर, सुनीता दीदी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर सोडी हमारे फैमिली डॉक्टर है। लेकिन सुनीता की डॉक्टर सोडी से काफी बातें होती थी, उनका कोई अफेयर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए, सुनीता की शादी किससे हुई थी और उसका तलाक क्यों हुआ? सर सुनीता दीदी के हस्बैंड NRI थे और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन दोनों में डिफरेंसेस आने लगे और करीब 15 साल पहले उनका डिवोर्स हो गया। उसके बाद दीदी बहुत बहुत टूट गई थी और कुछ टाइम बाद तो वो बहुत बीमार रहने लगी और फिर नीलम दीदी के हस्बैंड गुजर गए। माँ तो सुनीता और नीलम दीदी की दूसरी शादी कर देना चाहती थी, लेकिन उन दोनों ने मना कर दिया सर। वो माँ और आरती को अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। ललिता जी की फैमिली या आपका, सुनीता और नीलम के परिवार से कोई ऐसा इशू जो इन सबके मर्डर्स की वजह बन सकता हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। और आपका, मेरा मतलब आपका अपनी मम्मी और बहनों से कैसा रिलेशन था?
सब मैं जानती हूँ कि आप हम पे शक कर रहे हैं, लेकिन आपका शक करना बहुत ही गलत है। हम उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते सर। दिल्ली पुलिस की दोनों टीम्स लगातार इस केस में पर्सनल और आउटसाइडर एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और जल्द ही उन्हें इस केस में एक नई इंफॉर्मेशन मिली। सर, ललिता की फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड राजेश के मर्डर के दो दिन पहले ललिता ने अपने बैंक लॉकर में विजिट किया था। सर, मैंने इस मामले में आंचल से बात की, उसने बताया कि ललिता बैंक लॉकर में अपने ज्वेलरीज रखती थी और दिवाली के पहले पूजा करने के लिए घर पे लाती थी। प्रकाश ने भी बताया था कि ललिता तोलानी के पास 70-80 लाख रुपए के गहने थे। चाची ने तो करोड़ों जमा कर लिए थे। 70-80 लाख के तो सिर्फ गहने और जवाहरात होंगे उनके पास। कहीं ऐसा तो नहीं ललिता तोलानी वो गहने दिवाली से पहले घर लाई और जो कबड़ हमें खुली मिली थी उस कबड़ में वो गहने रखे हुए? हो सकता है सर। विनय, काम करो, ललिता तोलानी के बैंक के लॉकर को चेक करने की परमिशन दो। ठीक है सर। पुलिस ने जब ललिता तोलानी के लॉकर की छानबीन की तो कई ऐसे दस्तावेज सामने आए जो इस केस में कई नए राज खोलने वाले थे। सर, ललिता के बैंक लॉकर में कोई भी ज्वेलरी नहीं मिली, लेकिन सर ये प्रॉपर्टी के कुछ पेपर मिले। सर, ये वही पेपर हैं जिसमें डॉक्टर सोडी का क्लिनिक है। ललिता इस दुकान को अपने नाम ट्रांसफर करना चाहती थी। और सर, ये जो दूसरा पेपर है इसमें ललिता इसी दुकान को डॉक्टर सोडी को बेचना चाहती थी। सर, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था, बस रजिस्ट्री करना बाकी था। डॉक्टर सोडी ने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये डॉक्टर सोडी से दोबारा से पूछताछ करो। ठीक है सर। सर, ये जगह किराए की है। मेरा यह क्लिनिक बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गया था, इसलिए मैं इस जगह को खरीदना चाहता था, लेकिन तोलानी बेचने के लिए रेडी नहीं थे। अब सुनीता मेरी पेशेंट थी तो मैंने उससे बात करके अपना कंसर्न शेयर किया। देखिए सोडी जी, मैं जानती हूँ कि आप ये शॉप खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये शॉप हमारे नाम पर नहीं है, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी में सिर्फ को पार्टनर हूँ। और मैं जानती हूँ प्रकाश इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। मैं जानता हूँ सुनीता, लेकिन अगर फिर भी तुम लोग ये प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के मुझे बेच दो तो मैं मार्केट प्राइस से ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे बहुत ही अच्छा ऑफर दिया था सर, तो उसने कहा कि वो प्रकाश और अपने बाकी के घर वालों से बात करके वो शॉप अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये कहानी तो अब आपने बता दी, अब ये भी बता दीजिए कि तोलानी फैमिली के मर्डर में आपका क्या हाथ है? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप ही सोचिए ना, भला इन सब का मर्डर करके वो प्रॉपर्टी मेरे नाम थोड़ी ना हो जाती। प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो जाती, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने प्रकाश के साथ कोई डील की हो। मैंने उस सोड़ी से कोई डील नहीं की सर, लेकिन ललिता चाची और उनकी बेटियां उस सोड़ी के बातों में आ गई थी। वो दुकान ललिता चाची अपने खुद के नाम करवाना चाहती थी। देख प्रकाश, प्रॉपर्टी से अपने हिस्से का किराया लेना हम बंद कर देंगे, तू बस अपने चाचू और ताऊ के घर वालों से बोल के वो दुकान हमारे नाम करवा दे। चाची, ऐसा करते करते एक दिन सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। आज आप डिमांड कर रही है, कल और कोई करेगा। उनके कहने पर मैंने हमारे परिवार वालों से बात की, लेकिन सब उस दुकान को उनके नाम करवाने के खिलाफ थे। बस उसको लेकर वो हमसे बहुत नाराज हो गई, गुस्सा हो गई और हमसे बात करना तक बंद कर दिया। और फिर तुम लोगों ने ललिता के हिस्से का किराया देना भी बंद कर दिया और फिर मौका पाकर पूरी फैमिली को रास्ते से हटा दिया और उस डॉक्टर को भी अपनी तरफ मिला लिया। उसे लालच दिया कि वो दुकान उसके नाम बेच देंगे और उसने तुम्हें आइडिया दिया कि किस तरह से ललिता की पूरी फैमिली को रास्ते से हटाना है ताकि एक भी मेंबर जिंदा ना बचे। यही हुआ था ना? आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हो सर, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में सस्पेक्ट्स की लिस्ट लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लगातार सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस केस को सही दिशा में ले जाने के लिए पुलिस को अब भी काफी मशक्कत करनी थी। सर, ये सभी शक के दायरे में और इन सभी को अच्छे से खंगाला, लेकिन इनमें से किसी के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। विनय, अभी तक हमने सभी एंगल्स इन्वेस्टिगेट कर लिए, लेकिन एक एंगल अभी भी बचा हुआ। मर्डर सिर्फ ललिता और उसकी बेटियों का ही नहीं हुआ, सिक्योरिटी गार्ड राजेश का भी हुआ। यह भी तो हो सकता है कि हत्यारा राजेश को मारना चाहता हो, ललिता और उसकी बेटियों ने हत्यारे को विटनेस कर लिया जिस वजह से वो बेचारी भी मारी गई। ये राजेश की वाइफ को थाने बुलाओ। ठीक है सर। साहब, हमारे पति की किसी से कौनो दुश्मनी नहीं थी, फिर उनको मार के किसी को कहाँ मिलेगा? ये तो आप ही हमें बताइए, आपका पति इतना कमाता था फिर भी आपको पैसे नहीं बेचता था। साहब, आप हम पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं ऐसा कौन हो सकता है जिसपे आपको शक हो।
ठीक है, आप जा सकते हैं। धीरे धीरे केस एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच गया था जहां पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग पाया था। फिर अचानक इस केस ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन को सही राह मिल गई। अब बस देर थी इसे अंजाम तक ले जाकर इस राज को बेपर्दा करने की कि आखिर उन हत्याओं के पीछे का असल मोटिव क्या था। सर, मैंने राजेश की फैमिली के बारे में पता किया है। सर, उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा अंकुर, सर ये छोटी मोटी मजदूरी करता है, और सर उसकी बेटी की शादी इस विशाल नाम के लड़के से हुई है। विशाल रोहिणी के एक हॉस्पिटल में स्वीपर का काम करता है। हॉस्पिटल में स्वीपर? हाँ सर। वैसे मैंने इस अंकुर का बैकग्राउंड भी चेक किया, सर इसका बैकग्राउंड कुछ क्लियर नहीं है। इंद्रपुरी पुलिस ने इसे 2-3 बार छोटी मोटी चोरी के चक्कर में अरेस्ट किया है। और सर ये विशाल कुछ दिनों पहले तक ये पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में काम करता था, लेकिन फिलहाल अभी जॉब पे नहीं आ रहा है। जिसने भी मर्डर किया होगा वो मेडिकल जानकार होगा। सबका एक ही तरह से गला काटा गया है, और मारने वाले को मालूम था कि गले की कौन सी नस को काटनी है। क्या किया तुम लोगों ने? मर्डर किया है। ललिता का पूरा परिवार लूट के लालच में खत्म कर दिया। सब क्या कह रहे हैं साहब आप? ये सब हमने कुछ नहीं किया साहब। तूने अकेले ने नहीं, तेरे साथ तेरे जीजा ने भी मिलकर ललिता का पूरा परिवार खत्म कर डाला। साहब आप हमें क्यों फंसा रहे हैं? हम दोनों ने क्यों मारेंगे? 15 मिनट दे रहा हूं सिर्फ सच बोलने के लिए। बोलो कौन सच बोलेगा? मैंने कुछ नहीं किया सर। हमें सब पता है तुमने क्या किया है क्या नहीं किया। 28 सितंबर की रात तुम दोनों ललिता तोलानी के घर के बाहर थे। तुम दोनों के फोन स्विच ऑफ थे। सर मैंने अंकुर और विशाल इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। 28 सितंबर की रात इन दोनों के फोन बंद थे। तुम लोगों ने एक साथ अपने फोन स्विच ऑफ किए, और ना सिर्फ ललिता तोलानी का परिवार लूटा बल्कि उनका कत्ल करके दोनों फरार हो गए। तुम लोगों के खिलाफ इतने सबूत काफी हैं कोर्ट में सजा दिलाने के लिए। अगर खुद सच बताओगे तो शायद फांसी की सजा से बच भी जाओ, नहीं तो सीधा सब। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सर सब अंकुर के कहने पे किया। जो तेरा टाइम खत्म, इसे बोलने दे, तुझे प्रसाद बाद में दूंगा। चल बोल। साहब एक बार हम लोग ससुर जी के घर पर गए थे राखी में। तुम्हारा बाप छोटी मोटी चीज नहीं है, तोनाली खानदान का गार्ड है। जानते हो वो करोड़ों में खेलते हैं, हर घर में लाखों करोड़ों रुपया कैश होता है, और उसकी सुरक्षा कौन करता है? हम करते हैं, वो भी अकेले। इतनी बड़ी आसामी है तो आपको तनख्वाह काहे नहीं देते? ससुर जी ऐसा बोल रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम क्या चोरी करते हैं। हम दोनों ने मिलकर उन्हें भड़काया और ये कहा कि जब तोलानी परिवार के लोग आपको टाइम पर तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो क्यों ना हम उनके यहाँ चोरी करते हैं। तो वो बोले कि नहीं बेटा, हमसे ही पाप नहीं होगा। अरे पापा, कब तक 24 घंटे की नौकरी में शरीर गलाओगे अपना? देखो बुढ़ापा आ गया है आपको, और वैसे भी कोई नहीं पूछने वाला आपको उधर। ससुर जी मान गए और उन्होंने बोला कि ललिता के घर चोरी करते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ औरतें रहती हैं, और उस रात हम लोग उनके घर के लिए निकल गए, और उन्होंने बोला कि जैसे ही सारे लोग अंदर चले जाएंगे वो हमें बुला लेंगे। लेकिन सर एक लड़का 4 बजे रात को आया, और उसके जाने के तुरंत बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया साहब। राजेश तुम?
एक ही अलमारी से इतना कुछ मिल गया था कि और तुरंत वहां से निकल गए। सर हम दोनों डर गए थे कि अगर ससुर जी जिंदा रहेंगे तो उनके घर का गार्ड होने के नाते आप उन्हें ही पकड़ेंगे सबसे पहले, और वो हर हाल में आपको सब कुछ बता ही देंगे। इसलिए सर ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड राजेश कुमार 30 सालों से तोलानी परिवार का वफादार था, लेकिन उसकी लापरवाह सोच और उसकी नशे की आदत ने पहले उसे अपने परिवार के दायित्व से भटकाया और फिर अपने बेटे और दामाद के छलावे में फंसकर वो कर बैठा जिसने ना सिर्फ उसकी अपनी बल्कि उसके मालिक के एक परिवार की जान भी ले ली। कहते हैं कि लालच एक ऐसी बला है जो अगर सर चढ़ जाए तो ईमानदार से ईमानदार इंसान का भी ईमान डोलने में देर नहीं लगती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।